और सागर से बीजेपी प्रत्याशी राज बहादुर सिंह ने रैली निकालने के बाद नामांकन दाखिल किया। राज बहादुर सिंह के नामांकन के दौरान पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह सहित भाजपा नेता शामिल हुए। हजारों की संख्या में समर्थकों के साथ राज बहादुर सिंह रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे और अपना नॉमिनेशन किया। आपको हम ये बता दें कि राज बहादुर सिंह भूपेंद्र सिंह के करीबी माने जाते हैं। राज बहादुर सिंह वर्तमान में सागर नगर निगम के अध्यक्ष हैं। राज बहादुर सिंह ने मोती नगर चौराहे से रैली निकाली जिसमें विधायक उमाकांत शर्मा, शमशादबाद विधायक राजश्री सिंह, सागर विधायक शैलेंद्र जैन, नरियावली विधायक प्रदीप लारिया सहित पार्टी के कई नेता शामिल हुए। भूपेंद्र सिंह ने यह कहा कि कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले बहुत छोटी पार्टी है और बीजेपी के पास मजबूत संगठन है जिससे हम भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे। पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रही है। सभी लोग चुनाव में रहेंगे और सभी लोग अलग अलग कामों में लगे हुए हैं। कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है। पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, बाकी सभी विधायक लोग आज उपस्थित हैं।